और दिल्ली का आंदोलन अभी जारी। पीएम तीनों नए खेती कानूनों को वापस किए जाने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन राजधानी की सीमाओं पर चल रहा आंदोलन अभी जारी है। पीएम के ऐलान के बाद किसान संगठनों की बैठक का सिलसिला भी जारी है। किसान साफ कह चुके हैं कि ना तो केवल ऐलान करने से काम चलेगा और ना कि केवल कानूनों की वापसी ही मांग है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है, सवाल खड़े किए। टिकैत ने कहा कि मुद्दे कई हैं जिन पर बातचीत होगी। ये आंदोलन एक साल से चल रहा, ये आंदोलन खाली तीन बिल पर नहीं है, इसके साथ में MSP भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। दो चीजों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे, तीन बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी MSP का सवाल रह गया, उसके साथ ही जो एक साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान, यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए, लखीमपुर खीरी की घटना हुई। टिकैत ने लखनऊ में किसानों की महापंचायत को लेकर भी बात की और कहा कि यूपी के किसानों की कई परेशानियां हैं। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखे गए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भी बकाया है, गन्ने के रेट नहीं बढ़े, आलू का किसान दुखी है, फसलों की MSP पे खरीद नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। और तीन कानून वापसी लिए भारत सरकार ने, लेकिन उसके साथ में जो और मसले हैं उसके लिए चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार उनको इन मामलों का भी सोल्व करवाए, हमें फसलों के दाम चाहिए, मुकदमे वापसी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैसेज ये देंगे कि आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में, और दिल्ली का आंदोलन अभी जारी है। टिकैत ने आगे कहा कि एक साल से आंदोलन कर रहे हैं, इस एक साल में किसानों के सामने कई संकट आए, उन पर सरकार आगे आए, बात करे, बातचीत से समाधान भी निकाले। तब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती, एक साल में घटनाक्रम हुए उन घटनाक्रमों पर सरकार बातचीत करे और अपना स्पष्ट पत्र जारी करे सरकार उस पर। ये महंगाई बढ़ रही है, एक साल में सरकार ने बातचीत नहीं करी, एक साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, एक साल में बहुत इशू आए, उस पर कौन बातचीत करेगा। ये तो वे कानून लेकर आ गए, कानून की लड़ाई लड़ी, वापसी हो गई, लेकिन जो और इशू हैं वो तो देश में ऐसे ही खड़े, नौजवान के इशू हैं, उनकी नौकरी के सवाल उनके हैं, उस पर बात करें। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, आज ये पूरी देश की प्रॉपर्टी को बेचने लग रहे हैं, मंडियों की जमीन को बेचने लग रहे हैं, गाँव समाज की जमीन को बेचने लग रहे हैं, तो उस पर कौन बात करेगा, उस पर भी इनको बात करनी पड़ेगी। जाहिर है किसान अभी पीछे हटने को तैयार नहीं, किसानों ने पीएम के ऐलान के बाद भी 29 नवंबर तक के सभी कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया है। किसानों का कहना है कि MSP पर कानून आए, मृतक किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद मिले, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हो, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पीएम को खुला पत्र भी लिख चुका है। हालांकि क्या सरकार किसानों की सभी मांगों को मानेगी या फिर नहीं, और कब तक और कैसे आंदोलन खत्म होगा, इस पर भी देश भर की निगाहें टिकी हैं। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक।